हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको पावर सर्किट कनेक्शन करके दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं हाउस वायरिंग में एक पावर सर्किट कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए, पावर सर्किट को सबसे पहले आप सभी स्क्रू को नॉट लूज कर लीजिए, वन बाय वन करके। अभी ये नाइट नॉट थोड़ा टाइट है, अच्छे से इसको लूज कीजिए। ये बोर्ड हमारा डायना मॉडल का है, 3x3 का। सभी स्क्रू को लूज कीजिए। आप कोई लूज करने के बाद आपको ऐसा एक तार लीजिए, 1 mm का या 1.5 mm का या 2.5 mm का। तार को अच्छे से आप स्विच का ऊपर पॉइंट लीजिए और 3 फिन का एक लाइन वाला पॉइंट लीजिए। तार को अच्छे से आप नाप लीजिए। नापने के बाद इसको आप काट लीजिए। अच्छे से आप इसको काटिए। देखिए, अभी हम काट रहे हैं। हमारा ये वायर स्ट्रिपर थोड़ा पुराना है, कटा नहीं रहा है। अब काटने के बाद इसको आप थोड़ा छील लीजिए। अच्छे से इसको थोड़ा आप वायर को छील लीजिए दोनों साइड से। फिर आप इसको छील लीजिए। छीलने के बाद आप देखिए, पावर सर्किट का आप स्विच का एक पॉइंट लीजिए ऊपर का। इसमें आप इसको अच्छे से, ना कोई फॉल्ट हो उस हिसाब से आप इसको टाइट कर लीजिए। लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्क मारेगा। पूरा टाइट होना चाहिए। फिर आप इसको देखिए, ये हमारा स्विच है, स्विच का एक पावर सर्किट का स्विच का ऊपर का भाग है, उसमें हम ये तार लगाए हैं, लाया है, कनेक्शन किया। अब फिर इसके बाद देखिए, फिर आप इसके बाद आप देखिए, टाइम थोड़ा लग गया। चलिए दिखाते हैं फिर। आप फिर वो स्विच में तार कसाने के बाद आप फिर 1.3 पिन में आप कसिएगा। देखिए, देखिए अभी इधर आप एक तार कस लीजिए 3 पिन में, इधर कस आ गया। ये इंडिकेटर का भी एक पॉइंट लीजिए और 3 पिन में उधर कस लीजिए लाइन में। स्विच ऑन ऑफ होगा इंडिकेटर, फिर इंडिकेटर स्विच से बढ़ेगा, ऑन ऑफ होगा। अच्छे से इसको आप ऐड कर लीजिए। लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्क मारेगा, ठीक है, नहीं तो बाद में तुरंत फॉल्ट आ जाएगा। देखिए, एक बार ये स्विच का कनेक्शन हो गया, ये फेज हमारा फेज हो गया, स्विच कनेक्शन फेज हो गया प्लस। और इसके बाद चलिए दिखाते हैं आगे। इंडिकेटर को अच्छे से ठाउं में हिसाब से रख लीजिए। एक वायर उधर फेज में हो गया, एक अभी इधर न्यूट्रल खाली है हमारा, इधर लीजिए। और चलिए दिखाते हैं आप पावर सर्किट कनेक्शन करके दिखाते हैं। देखिए, यह हमारा एक
हाउस का, एक घर का, रूम का, एक इधर पावर से कनेक्शन करने का है। देखिए तार छिल लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं। ये हमारा तीन तार आया है, एक अर्थिंग दिया हूँ, एक फेज हो गया, फेज ब्लू कलर का हो गया, काला न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कनेक्शन करके। ये हमारा काला न्यूट्रल है, न्यूट्रल को देखिए इधर दूसरे भाग में दिया हूँ, न्यूट्रल पॉइंट में। न्यूट्रल में अभी इंडिकेटर भी उधर लगा है, न्यूट्रल में काला हमारा न्यूट्रल हो गया कनेक्शन। अच्छे से इसको टाइट कर लीजिए, लूज नहीं होना चाहिए। ये तो बार बार फिर इसको खोल कर ठीक करने पड़ेगा। अच्छे से टाइट कर लीजिए और इसके बाद दिखाते हैं आगे। हमारा एक अब न्यूट्रल हो गया, अच्छे से करिए। और इसके बाद देखिए अब हमारा एक ब्लू फेज बाकी है। फेज को हम स्विच में देंगे, स्विच का स्विच में हम देंगे, स्विच का वो निचका भाग में हम देंगे स्विच का। इधर अच्छे से टाइट कर लीजिए, अच्छे से टाइट कीजिए। ये हमारा फेज हो गया ब्लू कलर का, स्विच में हो गया, स्विच कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चेक कर लीजिए कोई लूज तो नहीं है, लूज रहेगा तो फिर स्पार्क मरेगा, आवाज़ देगा, जल्दी जल जाएगा, इसका लाइफ नहीं रहेगा। अच्छे से देखिए, अब ये हमारा एक पॉइंट, ये हमारा ग्रीन तार अर्थिंग का है, इधर अर्थिंग में हम कनेक्शन करेंगे। देखिए अच्छे से इसको अर्थिंग को हम कनेक्शन करते हैं। अब जिधर घर में अर्थिंग किया है फिर बोर्ड को अर्थिंग कर दीजिए, सेफ रहेगा। ठीक है, अब उधर ये मेटल जो है, मेटल को भी आप अर्थिंग कर सकते हैं। उधर मेटल बॉक्स 3x3 को अपने हिसाब से आप कर लिए वायरिंग। ठीक है, हमारा अर्थिंग हो गया। अब हमारा ये पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया, ये पावर सॉकेट का कनेक्शन। अब हमारा हाँ, इस वायरिंग में अब इसको हम बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए इसको हम बोर्ड में सेट करके दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा बोर्ड का एक नॉट कसने वाला होता है, उसमें प्लास्टिक का थोड़ा लगा है, उसको हम निकाल लेते हैं, फिर उसमें हम स्क्रू कसेंगे। अच्छे से इसको निकालिए, चलिए देखते हैं स्क्रू कस के। आप इसमें स्क्रू साइज के हिसाब से दीजिएगा, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितना होगा उस हिसाब से दीजिए। अच्छे से इसको तार अच्छे से इसमें रखिएगा, बोर्ड में चेक कर लीजिए। अच्छे से इसको मिलाकर आप में दीजिए, स्क्रू लीजिए, कौन साइज का स्क्रू इसमें सेट करना है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए स्क्रू लेते हैं, 1.5 इंच, 2 इंच का, जितना हो सेट होता है उस हिसाब से। चलिए इसको स्क्रू ड्राइवर लेकर, प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर ले इसको टाइट करते हैं। अच्छे से इसको घुमा घुमा कर अच्छे से इसको आप टाइट की दीजिए, एकदम सेफ, और सेफ साइज में होना चाहिए, एकदम हल्का भी टेढ़ नहीं होना चाहिए। एक स्क्रू और लेकर दोनों साइड से आप इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। ये हमारा अब कंप्लीट होने जा रहा है, ये हो गया हमारा पावर सॉकेट कनेक्शन। आप हाउस वायरिंग में आप पावर सॉकेट कनेक्शन
जिससे आप कर सकते हैं। आप इसको ये वीडियो आप देखने के बाद सिंपल से आप हाउस वायरिंग में पावर सर्किट कनेक्शन कर सकते हैं, कहीं भी आप पावर सर्किट कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पावर सर्किट कनेक्शन हो गया। चलिए अच्छे से टाइट कर दीजिए, टाइट हो गया। देखिए चेक कीजिए, अच्छे से टाइट कीजिए, टाइट कीजिए, लूज नहीं होना चाहिए, अच्छे से टाइट कीजिए। और हम देखिए टीयर टू बोर्ड नहीं है, फिर इसको सोच कर लीजिए, एकदम सेफ साइज होना चाहिए, एकदम एंगल में सीधा होना चाहिए। ठीक है, फिर आप इसको इसका आप कवर लगा सकते हैं। होने के बाद आप इसका आप सीधा करके कवर से लगा दीजिए कवर को, और लगाने के बाद देखिए हमारा ये, इसको आप बैठा दीजिए, इसमें लॉक होता है। अब स्विच देखिए हमारा काम कर रहा है। फिर इसमें हम अभी लाइन सप्लाई नहीं किया, बाद में हम करेंगे। ये हमारा पावर सॉकेट कनेक्शन हो गया। चलिए आप